नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने IRAD यानी इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस इसकी शुरुआत की है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि IRAD है क्या, इसकी मदद से पूरे भारत में जब भी कहीं पर भी एक्सीडेंट होगा तो वहां पे उसका पूरा का पूरा कारण क्या कारण रहे, क्यों एक्सीडेंट हुआ, व्हीकल का क्या एज थी या फिर अल्कोहलिक था बंदा, मतलब यानी शराब पी के गाड़ी चला रहा था, रोड का क्या कंडीशन थी, वो सारी के सारे डाटाबेस बनाया जाएगा और फिर वो डाटाबेस स्टडी किया जाएगा और इम्प्रूवमेंट्स की जाएंगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि IRAD इसको बनाया किसने है, ये काम किस रूप में करेगा, और इसमें हम एक और इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा क्या कॉजेज बताए जाते हैं हमारे भारत में जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो, और हम कुछ रोड एक्सीडेंट्स के डाटा भी देखेंगे कि हर साल कितने रोड एक्सीडेंट्स हमारे देश में होते हैं और कितने लोग अपनी जान इनके वजह से गंवाते हैं। तो ये काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक सेंट्रल एक्सीडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमें मदद करेगा एनालाइज करने को। क्या एनालाइज करने के लिए? कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट, जो रोड एक्सीडेंट हुआ उसका क्या कॉज था, और फिर हम डिवाइस सेफ्टी इंटरवेंशन यूज कर सकें ताकि हम इस प्रकार के जो इंसिडेंट हैं, इस प्रकार के जो एक्सीडेंट्स हैं, वो भारत में भविष्य में उनको रिड्यूस कर सकें, उनको कम कर सकें, खत्म कर सकें। अब देखो, यहाँ पर बात आई कि एनालाइजिंग द कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है वो क्या कॉजेज बताती है कि किस वजह से हमारे भारत में रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। देखिए, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मुख्यतः तीन कारण बताती है। सबसे पहला कारण आता है ह्यूमन एरर। जो ह्यूमन के द्वारा एरर होता है, व्यक्ति के द्वारा एरर होता है, उसकी वजह से जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। अब कैसे? जैसे कि ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन, ट्रैफिक रूल वायलेशन एक कारण बताया जाता है। फिर ड्राइविंग विदाउट वैलिड ड्राइवर लाइसेंस, ठीक है, कि बिना ड्राइवर लाइसेंस के जो अनट्रेंड और अनक्वालिफाइड हमारे पास ड्राइवर्स हैं, वो जब गाड़ी या स्कूटी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर जब चलाते हैं, उनके द्वारा एक्सीडेंट किए जाते हैं। और नॉन यूज ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस, जैसे कि तुम अगर टू व्हीलर में चला रहे हो तो तुमने हेलमेट नहीं यूज किया, फोर व्हीलर में चला रहे हो आपने सीट बेल्ट यूज नहीं की, तो ये जो नॉन यूज ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस है इसके कारण एक्सीडेंट होते हैं। तो पहले नंबर पर आता है ह्यूमन एरर, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। तो हमने देखा ट्रैफिक रूल वायलेशन एक कारण बताया गया, ठीक है, ड्राइविंग विदाउट वैलिड ड्राइवर लाइसेंस एक कारण बताया गया, जिसमें अनट्रेंड और अनक्वालिफाइड ड्राइवर्स चलाते हैं, फिर वो गाड़ियां ठोकेंगे, स्कूटियां ठोकेंगे, एक्सीडेंट होगा। और फिर आएगा आपके पास नॉन यूज ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस, ये आ गया पहला ह्यूमन एरर। दूसरे की बात करें तो दूसरा इसमें आता है रोड एनवायरनमेंट। दूसरा जो कॉज है वो है हमारे पास रोड एनवायरनमेंट, राइट। अब रोड एनवायरनमेंट का कैसा मतलब हुआ? जैसे कि टाइप ऑफ नेबरहुड, कि आप किस लोकेशन में गाड़ी या जो अपना स्कूटी जो भी है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, उसको चला रहे हैं, जैसे कि क्या वो रेजिडेंशियल एरिया है, क्या वो मार्केट प्लेस है, क्या वो इंस्टीट्यूशनल एरिया है, क्या वो ओपन एरिया है, तो इस हिसाब से होगा। इसके अलावा रोड एनवायरनमेंट में क्या आएगा कि रोड के फीचर्स, ठीक है, रोड के फीचर्स आएंगे। अब रोड के फीचर्स का मतलब हुआ कि क्या वो स्ट्रेट है, क्या वो आपके पास कर्व्ड है, क्या आपके पास ब्रिजेस हैं, क्या आपके पास पोर्ट होल्स हैं, क्या आपके पास कुलवर्ट है आसपास, है ना। कुलवर्ट का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, पानी, जैसे कई रोडों के आसपास से जो नाला सा होता है, पानी निकल, नाला सा होता है, पानी वहां से चला होता है, उसको बोलते हैं कुलवर्ट। तो ये एक रोड का जो फीचर्स हैं, ये भी एक कारण बनता है कि किस प्रकार के रोड में आप गाड़ियां चला रहे हैं या अपना व्हीकल चला रहे हैं। और जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन इंफॉर्मेटिव कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जब इन सारों में देखा गया तो सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो स्ट्रेट रोड पर होते हैं। 2019 के आंकड़ों की बात करें तो जितने भी रोड एक्सीडेंट रोड फीचर्स में जब हम देखते हैं तो 65% जो थे वो स्ट्रेट रोड्स में हुए, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब पोर्ट होल्स होते हैं या आपके पास कर्व्ड होता है, ब्रिजेस होते हैं, तो नॉर्मली बंदा क्या स्पीड कम कर देता है, और जैसे वो स्ट्रेट देखता है कि बिल्कुल रास्ता सीधा है, पूरी स्पीड दे देता है, कुछ नहीं देखता है, और कई बार इतनी स्पीड दे देता है कि व्हीकल जो है वो बैलेंस
जो है वो अनबैलेंस हो जाता है। तो 65% जो हमें देखने को मिलते हैं वो स्ट्रेट रोड्स में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए जब भी आपने सीधा रोड देखना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरी स्पीड ही दे दो, ठीक है। 65% उसमें जो लापरवाही बरती जाती है, ओवर स्पीड जो की जाती है उसमें स्ट्रेट रोड्स में, उसके कारण होता है। ये आपके पास आ गया रोड फीचर्स। उसके बाद आता है आपके पास रोड जंक्शंस, ठीक है। रोड जंक्शन की वजह से भी आपको देखा जाता है कि जैसे क्या ये टी जंक्शन है, क्या ये वाई जंक्शन है, ठीक है ना, क्या ये आपके पास स्टैगर्ड जंक्शन है। तो इस प्रकार के भी एक कोज बताया जाता है। अब मैं इन सारों को विस्तार से नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि कोज हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है वो क्या क्या बताती है। इसमें मैं आपको विस्तार से बता तो रहा हूँ, बस हमें आंकड़े, मैं आपको आंकड़े नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में आंकड़े नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। वो आप अगर आप में से कोई अगर PhD वगैरह कर रहा है या ऐसा कोई आर्टिकल वगैरह लिख रहा है तो वो आंकड़े बता रहे। अभी स्ट्रेट के मैंने इसलिए बता दिए क्योंकि मेरे को थोड़े से ऐसा लगे कि ये बताने चाहिए कि जब भी हम स्ट्रेट रोड देखें तो ऐसा नहीं कि एकदम से हम स्पीड से दे दें, क्योंकि 65% जो है वो उसके कारण होते हैं। बाकी आपको जो इतनी परसेंटेज है वो याद रखना, इम्पोर्टेंट इतनी नहीं है। तो एक कारण बताया ह्यूमन एरर, एक कारण बताया रोड एनवायरनमेंट। जैसे कि आपके पास आ गया रोड एनवायरनमेंट में नेबरहुड कैसी है, जैसे मैंने बताया कि क्या वो रेजिडेंशियल एरिया है, मार्केट है, इंस्टीट्यूशनल एरिया है, क्या वो ओपन एरिया है, या फिर हमने रोड फीचर देखे, क्या वो स्ट्रेट है, कर्व्ड है, आपके पास ब्रिजेस हैं, पोर्ट होल्स हैं, कुलवर्ट हैं। और फिर जंक्शंस हमने देखे टी वाई या स्टैगर्ड, इस प्रकार के किस प्रकार के जंक्शंस हैं, उसमें किस रूप में किस प्रकार में आप उसको गाड़ी को वहां पर चला रहे हो। इसके साथ साथ रोड एनवायरनमेंट में एक और चीज आती है, वो है वेदर कंडीशंस, कि आप किस वेदर कंडीशन में चला रहे हो। क्या आप सनी या क्लियर वेदर में चला रहे हो, क्या आप रेनी में चला रहे हो, क्या आप फोगी में चला रहे हो, क्या आप हेल में चला रहे हो, ठीक है। और इसमें भी क्या शॉकिंग था कि जब आंकड़े देखे गए तो सबसे पता था 2019 के आंकड़े कि सनी और क्लियर जब वेदर कंडीशन होती है तब सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, 73.6% 2019 के आंकड़े हैं। तो देखो रेन में, फोग में, हेल में कम होते हैं, जब बिल्कुल क्लियर है तब सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि क्लियर में क्या है कि देखते हैं भाई क्लियर है, रास्ता दे दो पूरी गेड़ी, पूरी स्पीड दे देते हैं। तो वेदर कंडीशन भी एक कारण है, और ये मैं एक अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। और अगर आप में से कोई ड्राइव करता है तो इन चीज़ों का दिमाग में रखें कि ऐसा नहीं है कि क्लियर है, स्ट्रेट है तो पूरी स्पीड दे देनी है। ये दो कारण होंगे। तीसरा जो कारण बताया जाता है वो बताया जाता है व्हीकुलर कंडीशन, कि व्हीकल की कंडीशन कैसी है। अब आप जरा सोचो कि जब व्हीकल की कंडीशन की बात हो रही है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। इसमें अगर आप जरा से भी सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आपके पास आएगा ओवरएज व्हीकल, आया दिमाग में ओवर व्हीकल की कंडीशन क्या मैटर, ओवरएज व्हीकल कि क्या बड़ा पुराना व्हीकल है, ठीक है ना। ओवरएज व्हीकल कई बार बड़े पुराने व्हीकल होते हैं, जरूरत पर आपको पता चलता है जरूरत पर ब्रेक ही नहीं लग रही है, जरूरत पर आपके हॉर्न ही नहीं बज रहे हैं, पुराना व्हीकल है, तो क्या ये ओल्ड एज व्हीकल है, एक ये हो गया। फिर क्या वहाँ पे ओवरलोडिंग है, ठीक है ना। अब इसीलिए बोलते हैं कि ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओवरलोडिंग करके क्या कई बार बैलेंस बिगड़ जाता है, बैलेंस बिगड़ जाएगा तो इतने लोग हैं वो सारे के सारे बेचारे या तो इंजर हो जाएंगे या फिर अपने जान से हाथ गंवा बैठेंगे। तो ये तीन मुख्य कारण है, कौन कौन से, ह्यूमन एरर, रोड एनवायरनमेंट, व्हीकुलर कंडीशन। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स जो आपको याद रखने चाहिए वो ये कि भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आता है रोड एक्सीडेंट के वजह से जो डेथ होती है उसके मामले में, पहले नंबर पर आता है पूरी दुनिया में जितने रोड एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ होती है उसमें से 11% जो है वो हमारे प्यारे भारत में होती है। इतने ज़्यादा हमारे भारतीय लोग जो हैं वो अपनी जान सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स की वजह से गंवा रहे हैं। ये 18-19 के आंकड़े बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। और इसके अलावा आप देखिए कि 2019 में, 2019 में भारत में 4,49,002 एक्सीडेंट्स हमें देखने को मिले, 4,49,002 एक्सीडेंट्स हमें एग्जैक्ट 2019 में हमें देखने को मिले, जिसकी वजह से
113 लोगों की जान चली गई, डेथ्स हमें देखने को मिली रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। और इसके अलावा 451,361 इतने लोग इंजर्ड हुए। तो ये आंकड़े जो हैं, अगर आपसे कोई इसके ऊपर सवाल पूछे, या मान लो कि आपको कहीं आंसर राइटिंग लिखनी है, कुछ आर्टिकल लिखना है, कुछ सेमिनार में कहीं बोलना है, तो ये आंकड़े, इन आंकड़ों का आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें से ये मत बोलना कि अरे सर जितने आपने नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बताए उससे ज़्यादा आपने इंजर्ड बता दिए। तो आई होप इतना आप सभी को पता ही होगा कि कई बार जैसे बाइक में एक्सीडेंट हो रहा है या गाड़ी में एक्सीडेंट हो रहा है, तो सिर्फ अकेला ही बंदा नहीं होगा, एक्सीडेंट तो एक ही देखा जाएगा, लेकिन व्यक्ति हो सकता है बाइक में दो बैठे हों, कई बार तो ट्रिपलिंग भी हो जाती है ना, गाड़ियों में तो चार पाँच बैठ सकते हैं आराम से, तो ज़्यादा इंजर्ड हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक इंजर्ड होगा। मतलब ये वैसे मुझे पता है कि आप में से सारों को इतना पता ही होगा, लेकिन इनकेस अगर किसी कोई कन्फ्यूज हो जाए तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि इतने लोगों की डेथ हुई, इतने लोगों जो है वो इंजर्ड हुए। तो इसलिए जब भी आपने गाड़ियाँ चलानी है या व्हीकल चलाना है तो बड़े आराम आराम से चलाना है, क्योंकि यार घर पे देखो माँ बाप हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ तो माँ बाप हैं, बाकी आपके कोई लव्ड वंस होंगे, शादी होगी तो बीवी होंगे, बच्चे होंगे। जब भी गाड़ी चलानी है, व्हीकल चलाना है, तो इन सारों का ध्यान रखना है। लाइफ में आपके कुछ करने की एम्बिशंस होंगी, सब चीज़ें उसे एक फुकरापंती में ख़त्म हो जाती हैं, इतनी सी बात है। फुकरियाँ मारने लगते हैं कि ओवर स्पीड होंगे, और एक एक इंसिडेंट बस पता नहीं चलता, पलक झपकती और बंदा था कि था ही नहीं। इसलिए ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जब भी आप गाड़ियाँ वूडियाँ चलाएँ, व्हीकल्स चलाएँ। चलिए, तो ये थे कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स जिनके ऊपर हमने बात करी, और इनको कम करने के लिए IRED जो है उसको लाया गया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। कैसे काम करेगी इसको हम आगे देखेंगे। ये इनिशिएटिव है, जैसे मैंने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। इसको बनाया किसने है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT मद्रास में इसको बनाया गया है। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, NIC, नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर, ये इसे इम्प्लीमेंट करेगा। GK पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसने डेवलप किया है, IIT मद्रास कौन इम्प्लीमेंट करेगा, NIC, नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर। टोटल कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट की 258 करोड़ रुपीज़, और इसको सपोर्ट करेगा वर्ल्ड बैंक। बताइए वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जितने भी यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सारों के हेडक्वार्टर मैंने एक वीडियो में कवर किए हैं, स्पेसिफिक एक वीडियो जिसमें सभी के सभी इम्पोर्टेंट UN के जितने भी एजेंसीज हैं उनके सारों के हेडक्वार्टर कवर किए हैं। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमारी गवर्नमेंट ने ये जो IRED है इसे इम्प्लीमेंट करना था 2019 में, प्रपोज कब था किया हुआ 2019 में, लेकिन आपको पता है कि 2019 में क्या हो गया, कोविड आ गया, तो इस कारण से COVID-19 की वजह से जो है वो इसको उस समय इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो अभी इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब ऑलरेडी ये जो सिस्टम है इसको पायलट प्रोजेक्ट के तरह, इस प्रकार की जो भी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट शुरू करती है या कोई भी गवर्नमेंट शुरू करती है तो पहले कुछ जगहों पे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे देखा जाता है, ठीक हो गया। तो इसलिए ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे सबसे पहले 6 स्टेट्स के 59 डिस्ट्रिक्ट्स में देखा गया, शुरू किया गया, लॉन्च किया गया February 2022 में। तो अब ये 6 स्टेट्स कौन कौन सी हैं, तो मध्य प्रदेश है, कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, इन सारों में किया गया। हाल ही में इस प्रोजेक्ट को चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में भी लॉन्च किया गया है। अब IRED जो है ये क्या है, ये एक वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन तो है, तो ये हेल्प किसको करेगा, ये वेरियस एजेंसीज को हेल्प करेगा, जैसे कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD और पुलिस, ऐसी जो एजेंसीज हैं उनको ये मदद करेगा कि वो जब भी रोड एक्सीडेंट होगा तो उस रोड एक्सीडेंट की डिटेल्स पूरी इस डाटाबेस में डाल सकें, उस डिटेल में मतलब उस एक्सीडेंट के वेरियस पर्सपेक्टिव डाल सकें। वेरियस पर्सपेक्टिव का मतलब क्या हुआ, रोड इंजीनियरिंग, कैसा रोड है जिसमें एक्सीडेंट हुआ, स्ट्रेट कर्व्ड ब्रिज कैसा है, देन उसकी क्या तुमने इन्वेस्टिगेशन करी, पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसके, उसके साथ साथ कंडीशन ऑफ व्हीकल, जो मैंने आपको कोर्स में भी बताया कि व्हीकल की क्या कंडीशन है, व्हीकुलर कंडीशन, क्या ये बड़ा ओल्ड एज था, क्या ये
ओवरलोडेड था, ठीक है ना, या बाइक में एक्सीडेंट हुआ तो ट्रिपलिंग थी, या चार लोग ही बिठा दिए थे, क्या था, क्या कंडीशन थी व्हीकल की, क्या इन्वेस्टिगेशन तुमने की, क्या रोड इंजीनियरिंग थी, इस प्रकार के अलग प्रकार के पर्सपेक्टिव जो हैं वो उस डाटाबेस में डाले जाएं। अभी इस डाटाबेस से होगा क्या, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मोबाइल एप्लीकेशन काम कैसे करेगी। अब देखिए, IRAD जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये अलो करेगी पुलिस पर्सनल्स को टू एंटर डिटेल्स रिगार्डिंग अ रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट की जितनी भी तुम्हारे पास डिटेल्स हैं, वीडियोस, उसकी वीडियोस बना के, उसकी फोटोज, ठीक है ना, उसके अलावा जो भी आपके पास डिटेल्स हैं वो सारी की सारी डिटेल जो हैं वो उस ऐप में डाली जाएंगी। अब उस ऐप में जब ये डाल दी जाएंगी तो वो ऐप में एक यूनिक, समझिए इस बात को कि ये सिस्टम काम कैसे करेगा। एक्सीडेंट हुआ, पुलिस ने क्या किया कि जितने भी इंफॉर्मेशन है, वीडियोस, फोटोज, बाकी इंफॉर्मेशन, वो सारी के सारी इस ऐप में डाल दी। अब जैसे इस ऐप में डाल दी तो उस पर्टिकुलर एक्सीडेंट की एक यूनिक आईडी बनी जाएगी, एक यूनिक आईडी जो है वो उसकी बनाई जाएगी उस इंसिडेंट की। अभी ये जो यूनिक आईडी बनी, अब इसका जो लिंक है वो कहाँ जाएगा, PWD का जो इंजीनियर होगा, जहां पर भी एक्सीडेंट हुआ वहां पे PWD का जो लोकल इंजीनियर होगा उसके मोबाइल फोन में इसका अलर्ट चल जाएगा। अब ये इंजीनियर क्या करेगा, ये इंजीनियर जो है ये उस साइट जहां पे एक्सीडेंट हुआ है वहां पे विजिट करेगा, आएगा, एग्जामिन करेगा, उसको देखेगा, और फिर जो भी डिटेल्स होंगी जैसे कि रोड डिजाइन है या बाकी जो भी हमने कॉजेज में देखा, जो डिटेल्स होंगी वो सारी की सारी वो उसको उस ऐप में अपलोड करेगा। समझ आ गई बात। अब इंजीनियर क्यों किया, तो पुलिस भी कर सकता है। देखो इंजीनियर जो है ना वो थोड़ा अच्छे से एग्जामिन कर सकता है, ठीक है ना, पुलिस का काम जो है ना वो है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए। लेकिन अब रोड की इंजीनियरिंग जिसने इंजीनियर ने करी है, जो चीज़ें उसमें रोड में बनी हैं, आसपास क्या था, जैसे आप देखते हो पहाड़ी क्षेत्रों में आप जाएं तो देखते हैं कि बगल में आपको रेलिंग सी मिलती है, तो इस प्रकार के जो भी काम है, बगल में कुलवर्ट हैं, पानी के नाले हैं, जो ये सब तो इंजीनियरों ने बनाई है, ठीक है ना, तो इसलिए इंजीनियर जो है वो काफ़ी अच्छे से उसको एग्जामिन कर सकता है। तो पुलिस पर्सनल्स ने तो अपनी डिटेल डाल दी, फोटोज, वीडियोज, ये सब चीज़ें ऐप में, ऐप में उस इंसिडेंट की यूनिक आईडी बनी, लिंक गया इंजीनियर के पास, इंजीनियर आएगा, एग्जामिन करेगा, और जो भी उसको पास डिटेल्स निकल के आती हैं, रोड डिज़ाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी उसमें अपलोड कर देगा। अब अपलोड करके होगा क्या, ये जो अपलोड की जाएंगी ये जाएंगी IIT मद्रास, जिसने इसको बनाया है, जिसने इसको डेवलप किया है। अब IIT मद्रास के पास जब ये जाएगी इंफॉर्मेशन तो वो उसको एनालाइज करेगा, उसको स्टडी करेगा, और फिर उसके हिसाब से, उसको स्टडी करने के बाद ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो, इस प्रकार के एक्सीडेंट दोबारा ना हो, इसके लिए वो करेक्टिव मेजर जो हैं वो बताएगा, वो सजेस्ट करेगा, और उनकी जो सजेशंस होंगे उसके बाद फिर हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो मिनिस्ट्री है, वो उस हिसाब से काम करेगी, उन सजेशंस को अपने पास रखेगी, उन सजेशंस के मद्देनज़र फिर जब रोड बनाएगी, ठीक है ना, या तो नए रोड बनाए या फिर जो ऑलरेडी रोड है उनको जब भी नया करेगी, है ना, आपको पता है कई बार रोड जब टूट जाते हैं तो दोबारा बनाते हैं, तो इस प्रकार के जब करेगी तो उन सारे के सारे सजेशंस को इसमें डाला जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो क्या करेगा, काम करेगा। एक बार फिर से देखिए कि सबसे पहले मान लो एक्सीडेंट हो गया, अब जो भी मैं अब इस पूरी की पूरी स्टोरी को दिमाग में अपने विजुअलाइज करिए, ठीक है ना, पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है विजुअल, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअल करिए कि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट हुआ तो क्या होगा, पुलिस आएगी, पुलिस आई, पुलिस ने क्या किया, वीडियोस बनाई, फोटोज बनाई, अपनी इंफॉर्मेशन उस ऐप में डाल दी। उस ऐप में डालने के बाद वहां पे एक यूनिक आईडी बन गई, इसका लिंक किसके पास गया, PWD का जो लोकल इंजीनियर था उसके पास गया। इंजीनियर के पास क्यों गया, क्योंकि अब वो आएगा उस जगह में, आएगा जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, फिर यहाँ पे वो क्या करेगा, उसको स्टडी करेगा, एग्जामिन करेगा, एग्जामिन करने के बाद उसको जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी चीज़ें लगेंगी वो क्या करेगा, उसको उसमें अपलोड कर देगा, ऐप में अपना अपलोड कर देगा। उससे क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, IIT
मद्रास के पास जाएगी। वो इस इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे, वो इसको एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज करके क्या होगा, वो गवर्नमेंट को सजेशंस देंगे। तो गवर्नमेंट उन सजेशन से क्या करेगी, उन सजेशंस को लेगी और उनके मद्देनजर बाकी जो रोड्स बनाए जाएंगे या जब रिन्यू रोड्स किए जाएंगे तो उन सजेशंस को मान के उसमें उस प्रकार से चेंजेस, उस प्रकार से इम्प्रूवमेंट्स लेकर आएगी। तो इस हिसाब से ये सिस्टम पूरा का पूरा काम करेगा। तो यह था इस टॉपिक का एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे ही जीके वीडियोस के लिए हमारा चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।